मगध अंग वार जो हमारा हुआ है वो 540 से लेके 535 बीसी में हुआ था। कब हुआ था? 540 से लेकर के 535 बीसी में हुआ था, मगध अंग वार हुआ था। और तुमसे पूछ ले कभी कि ये झेलम का युद्ध कब हुआ था, झेलम वार कब हुआ था, याद है कि नहीं? को नहीं याद है, रिसर्च भी नहीं किए हो, हम ही करेंगे। झेलम का जो युद्ध हुआ था वो 326 कब हुआ था, 326 बीसी में हुआ था। कलिंग का वार कब हुआ था, 261 ईस्वी के आसपास में हुआ था। और 1191 और 92 में हुआ था तराइन का युद्ध। इस तरीके से पढ़ोगे ना जीएस डिस्कशन तो तुमको कभी एग्जाम में गलत होना ही नहीं है। इस तरह से लोग पढ़ते ही नहीं, एक क्वेश्चन पढ़ा भाग गया। कहाँ जाना है? ससुराल। ऐसा दम भागता है ना जैसे लगता है क्या बोले हम। स्वामी विवेकानंद, मजाक होना चाहिए ठीक है तब ना याद होगा। स्वामी विवेकानंद के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो स्वामी विवेकानंद जी के रामकृष्ण परमहंस। काली माता का एक फोटो देखे हो? काली माता का फोटो देखे हो? काली माता के फोटो में कभी कभी देखना कि एक आदमी बैठा रहता है ऐसे करके। हाँ, वो काली माँ के बहुत बड़े भक्त है। फोटो में देखे हो काली माँ का फोटो जिसमें एक लेडीज होती है एक जेंट्स होता है बैठे हुए, दाढ़ी उड़ी बड़ा हुआ रहता है, यहाँ से ऐसे करके बाल उड़ा हुआ है, नहीं देखे हो कभी? हाँ, तो उन्हीं का नाम है रामकृष्ण परमहंस। और रामकृष्ण परमहंस जो थे स्वामी विवेकानंद जी के क्या थे? गुरुदेव थे, यानी गुरु थे। हम तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछ सकते हैं क्या? एनी डाउट? हमें बताओ कि महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? खान अब्दुल गफार खान। खान अब्दुल गफार खान का दूसरा नाम क्या था? फ्रंटियर गांधी। क्या नाम था? और वो साउथ इंडिया में गांधी जी के नाम से फेमस थे, यानी साउथ इंडिया के, कहाँ के? साउथ इंडिया के गांधी जी। अगर एमटीएस निकालना हुआ तो आप जीके पर और इंग्लिश पर विशेष ध्यान दो कि इसी से रिजल्ट होना है ना एमटीएस, वो ऐसे पास हो जाना। चलिए, सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आया, हमने टॉपिक लिख लिया है, आपको मैं करा दूंगा ठीक है। तो सोलर सिस्टम पूछ रहा है कि जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो जुड़वा ग्रह जो कहते हैं वो किसे कहते हैं? तो शुक्र को किसको कहते हैं? जुड़वा ग्रह मतलब पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह जो है ना हम लोग शुक्र को कहते हैं। बहन भी पूछ सकता है कभी एग्जाम में कि पृथ्वी की बहन यानी सिस्टर कौन है? कौन? सिस्टर इन लॉ। हाँ, सिस्टर इन लॉ कौन है? बहन। क्यों कहते हैं? ये पृथ्वी जैसी दिखती है लगभग ठीक है, इसलिए सिस्टर कहते हैं, सिस्टर इन लॉ नहीं कहते हैं। ये देखो, आरबीआई टूल्स रेफर्स टू, फाइव नंबर क्वेश्चन है, टू बाइंग एंड सेलिंग बॉन्ड्स इशूड बाय गवर्नमेंट इन ओपन मार्केट। ओपन मार्केट ऑपरेशन, यहीं से आंसर मैच कर रहा है ना। चलूँ आगे। चलिए, ये बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, ध्यान से इसको देखना। वीवीआई मतलब वीवीआई है, आपको ध्यान से इसको करने का है, नहीं तो दिक्कत होगा। तो ये वीवीआई है, क्या है ध्यान से देखते हैं। निम्नलिखित नृत्य शैलियों में से कौन सा जो है तमिलनाडु के देवदासियों द्वारा किया जाता है और इसे दसी अट्टम कहते हैं? और हमने को पढ़ाए भी हैं हाँ कि भारतनाट्यम का दूसरा नाम क्या है? दसी अट्टम। पढ़ाए थे एक बार खोज के क्वेश्चन, एमटीएस में पूछ दिया है, समझ में आ रहा? हमें एक बार खोज के पढ़ाए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, आपको याद रखना है। देखो आगे, उगादि फेस्टिवल कहाँ का फेस्टिवल है? तमिलनाडु में मनाया जाता है क्या उगादि फेस्टिवल? गोवा में। ओके, देख लो ना, उगादि फेस्टिवल जो है एक नव वर्ष की शुरुआत का फेस्टिवल है, यानी न्यू ईयर का फेस्टिवल है। उगादि फेस्टिवल कहाँ का फेस्टिवल है ये सोचो तो जरा सा। अच्छा, कर्नाटक में मनाते हैं। क्या मनाते हैं? कर्नाटक में कौन सा फेस्टिवल मनाते हैं? उगादि फेस्टिवल मनाते हैं। कहाँ मनाते हैं? तो कर्नाटक में मनाते हैं, ध्यान रखना ठीक है। और ये नब्बे से संबंधित है। खेलो इंडिया यूथ गेम का 5वां संस्करण कहाँ हुआ था? मध्य प्रदेश।
मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। मेरे गोपाल। ओके, ये आप ध्यान से देखोगे, ये जो समझा रहे हैं अभी, प्लांट किंगडम का क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर है, देख सकते हो। आपसे पूछा अर्थोपोडा, मोलस्क का इकाइनोमोडेटा और हेमिकोडेटा, बैलेनोग्लोसस, क्या नाम है इसका? बैलेनोग्लोसस जो है प्लांट किंगडम में किस संघ से संबंधित है? और ये क्वेश्चन हार्ड है, इजी नहीं है, ये डायरेक्ट इजी क्वेश्चन नहीं पूछा है इस बार एमटीएस में, ये अच्छा क्वेश्चन है। तो वैलेनोग्लोसस जो है आपका हेमिकार्डेटा में आता है। किस में आता है? हेमिकार्डेटा में आता है। आर्थ्रोपोडा में कौन सा आता है? एग्जांपल दे सकते हो? चींटी, तिलचट्टा, यानी ऐसा जीव जंतु जिसका हाथ पैर खोपड़ी अलग कर सकते हो, बच्छ वगैरह जो होते हैं। जैसे देखो एक जीव बनाते हैं, बनाने दो ना, कोशिश तो कर रहे हैं ना। तो ये हम एक बटरफ्लाई बनाए स्क्रीन पे, ठीक है। अब बटरफ्लाई में ये इसका नेक्टर है, ये इसका गर्दन है, ये इसका बच्छ और पेट है, ये इसका पंख है। तो जिसके शरीर में हाथ पैर बच्छ पेट अलग अलग बटा हुआ है ना, उसको हम लोग कहते हैं आर्थ्रोपोडा। क्या कहते हैं? आर्थ्रोपोडा। उसके बाद मोलस्का, क्या है? मोलस्का। मोलस्का में ऐसा जीव आता है ना, जो जैसे घोंघा वगैरह देखे हो, ऑक्टोपस वगैरह देखे हो, तो ये सब मोलस्का में आता है। हम डिटेल इस सब टॉपिक पर हम एक डिस्कशन क्लास रख देंगे इधर ही बहुत जल्दी। अब क्योंकि अभी 5 दिन में सीजीएल का पेपर है, तो हम ज़्यादा से ज़्यादा जीएस और इंग्लिश कहेंगे ना देखने के लिए, और जीएस इंग्लिश देखोगे तुम्हारा एमटीएस में हेल्प करेगा अभी तो 3 दिन, और ये कवर भी हो जाएगा क्योंकि इसके बाद सीजीएल का पेपर आ जाएगा तो हम नहीं करवा पाएंगे, इसलिए इसको हम करवा रहे हैं। इकाइनोमोडेटा क्या है, और इसके बाद है हेमिकोडेटा, याद रखिएगा। अगला है बाबर ने, क्या है, क्या नाम इसका? बाबर ने महमूद लोदी, क्या नाम इसका? मोहम्मद लोदी, और नुसरत शाह को 1529 में किस युद्ध में हराकर भारत में मुगल शासन की स्थापना किया था? तो घाघरा का युद्ध। कौन सा युद्ध? घाघरा का युद्ध करके। ऐसे भी डेट से आप याद रखना है कि 1526 में एक युद्ध हुआ था, नाम बताओ, पानीपत का पहला लड़ाई 1529 में हुआ था, सॉरी 27 में ना होगा, खानवा का युद्ध 1528 में हुआ था, चंदेरी का, पानी का ना चांद, अफगान का कब हुआ था? नहीं, एक मिनट, हाँ घाघरा, ठीक है, 1529 में हुआ था अफगान के साथ घाघरा का युद्ध। किसके किसके साथ हुआ था याद है? पहला बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था ना, जिस युद्ध में जो इब्राहिम लोदी है मर गया था, याद है? हाँ, युद्ध के समय मरने वाला पहला दिल्ली की सल्तनत का शासक इब्राहिम लोदी था। इसके बाद पानी के बाद चांद हुआ, चंदवाड़ का युद्ध हुआ, ये सब तरह से याद रखना। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो वर्ष 2000 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी? वर्ष 2000 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। आज रिकॉर्डिंग रहेगा, आपसे देखने में आएगा, और आ जाना उधर से फिर से। कह रहा है कि प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, कौन सा योजना? प्रधानमंत्री ग्राम उदय योजना कब हुआ शुरू? 2000 ईस्वी में। और 2000 ईस्वी में कुछ और भी चीज़ हुआ भारत में, याद है? 2000 ईस्वी में, 2000 ईस्वी में कुछ और चीज़ भी हुआ है, याद है? बिहार और झारखंड को सेपरेट कर दिया गया था, और 15 नवंबर 2000 ईस्वी में, डेट याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न है तुम्हारे लिए बालक, मशहूर चित्रकार, क्या नाम है? सितारा देवी, किस चीज़ से संबंधित थे? मशहूर चित्रकार जो है सितारा देवी, वह संबंधित थी किस चीज़ से? तो चित्रकार जो है वो कत्थक से संबंधित थी। और ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा VVI क्वेश्चन है, इसको आप अपने से स्टोर करके रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट और समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित अधिनियमों को ध्यान से देखिए, और द्वैध शासन की शुरुआत जो की गई थी कब हुई थी? द्वैध शासन कब हुई थी?
द्वादश शासन आपका मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, जिसको हम भारत सरकार अधिनियम 1935 के नाम से आप जानते हैं। कैसे जानते हैं? इसके तहत हुआ था द्वैध शासन की शुरुआत। और ये मोंटेग्यू है, ठीक है, चेम्सफोर्ड। एक और था 1909 का, ठीक है, वो कौन सा सुधार वाला था वो आप लोग हमको बताओ कोई खोज के, ठीक है। चार्टर अधिनियम 1813 में आया था, भारत परिषद अधिनियम आपका 1861 में आया था, भारत सरकार अधिनियम 1858 में आया था। डेट को याद रखेंगे। संगमरमर देखे हैं ना आप सभी लोग, संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम कार्बोनेट। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें नो डिस्कशन एक्स्ट्रा। हाँ, जनगणना से फिर एक सवाल आ गया, बहुत सवाल आया ना। जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कितना प्रतिशत, देखो कहता है ये क्वेश्चन, हम भी सोचे ये क्वेश्चन कैसे एग्जाम में आ गया। 2011 के जनगणना यानी सेंसस के अनुसार भारत में नगरीय यानी नगर वाली जनसंख्या का कितना परसेंट था? तो 30 से 35%। कितना प्रतिशत था? 30 से 35%। तो ये क्वेश्चन आपको स्टोर करके रखना, मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, आपको मैं दोबारा दे दूंगा सेपरेट करके। इसमें से बढ़िया क्वेश्चन निकालते हैं ना, चाहे आप उसको लिख लो या चाहे PDF में रखो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। देखो हम कुछ कुछ लिख लेते हैं तो काम देता है, क्योंकि देखो अंत में आपकी मदद आपकी कॉपी ही करेगी, इवन एक टीचर भी नहीं करता है। ठुमरी रानी को हम क्या बोलते हैं? गिरजा देवी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निम्नलिखित में से किसे ठुमरी रानी के नाम से जानते हैं? तो सिद्धेश्वरी देवी हैं, बेगम परवीन सुल्ताना है, गिरजा देवी हैं, गंगूबाई हंगल है। तो आप याद रखना, गिरजा देवी को हम लोग ठुमरी देवी के नाम से या ठुमरी की रानी के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? क्या नाम से जानते हैं? गिरजा देवी। और थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखते हैं इसके बारे में, तो हम तुमको बताते हैं, ठुमरी की रानी जो है ना, वह जो है बनारस घराने से संबंधित थी। किस घराने से संबंधित थी? ठुमरी की रानी। आज से आज अगर ठुमरी रानी पूछा है तो ये भी पूछ सकता है ना कि वो किस घराने से संबंधित है, तो वह बनारस घराने से संबंधित है और पूर्वी अंग ठुमरी शैली में प्रस्तुति देती थी, ठीक है, और यह कजरी और चैती और होली में शामिल थी। तो ठुमरी देवी जो हैं वो कौन थी आपसे सवाल में पूछ लेगा, तो आप लोग वो बनारस, तो कौन से घराने की थी ठुमरी देवी? बनारस घराने की थी, ठीक है, याद रखिएगा। यह एक शास्त्रीय संगीतकार डांसर थी। क्या नाम था इनका? ठुमरी देवी, ठुमक ठुमक के जाती थी कह सकते हो, वो है ना गाना उसी में, कोंदो कुटकी हड़का बाउटी, क्या है? तो ये आपको याद नहीं रहेगा, कृषि से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा है, नाम क्या है? कोंदो कुटकी हड़का और बाउटी। तो हमने क्या कर रहे हैं ना, जो बढ़िया क्वेश्चन है उसको हम लॉक भी कर रहे हैं अपने पास, ताकि दोबारा डिस्कशन करा सके आपको। तो कोंदो कुटकी हड़का बाउटी क्या है? बाजरा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से क्या भारत संविधान में के संघ सूची में नहीं आता है? संघ सूची मतलब भारतीय संविधान में 12 सूचियां हैं, जिसमें 7वीं सूची में संघ राज्य और दोनों के बीच में संबंध को दर्शाया गया है, ठीक है। संघ में सिर्फ कानून बनाने का अधिकार आपके पास संघ को होता है, यानी सेंटर को होता है। राज्य में राज्य सूची में राज्य को होता है, एक समवर्ती सूची होता है जिसमें दोनों को होता है। क्या होता है? दोनों को होता है। ये सवाल पूछ रहा है संघ में कौन सा नहीं आएगा। अब तुम सोचो सिंगल में किसका आएगा? सिंगल में किसी एक का आएगा, आएगा ना। अगर हम CM है बिहार के और हम चाहते हैं कि सारे बच्चों को हम लैपटॉप दें, तो ये मेरा डिसीजन है, देना हमको पड़ेगा। क्या केंद्र सरकार मुझे इसमें मदद करेगी? नहीं करेगी। लेकिन अगर केंद्र सरकार इसमें करना चाहती है तो अब दोनों मिलकर करेगी। अब देखो जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, जैसे सेंट्रल, जैसे कुछ कुछ ऐसा ऐसा चीज़ भी होता है जिसमें सेंट्रल का भी योगदान होता है। जैसे पर्यावरण बचाना है, सपोज एक एग्जांपल दे रहे हैं, समझना, याद कैसे होता है जीके ना, उसको समझाते हैं, रटना नहीं चाहिए आपको।
कुछ कुछ चीज़ रटने का होता है, जैसे ये सब अभी फसल पड़े थे ना हम लोग, क्या नाम था इसका, कोडोन कुटकी हड़का बाउटी, तो इस ये रटने वाला है, ये नहीं है। तो देखो हम क्या बोलते हैं, वन, अब कहेगा बिहार सरकार कि नहीं हमको जंगल नहीं चाहिए, हम पूरा जंगल को जला के हम उसमें फैक्ट्री लगाएंगे, कर सकता है क्या? नहीं करेगा। उससे तो एमपी और देहरादून भी पूरा जंगल जला देगा, तो भारत में शुद्ध हवा आएगा कैसे, बनेगा कैसे? कोई अमेजन के जंगल में आग लगा दे पूरा, समझो उसको, उसको लंग्स ऑफ अर्थ कहते हैं, पृथ्वी का दिल कहते हैं, फेफड़ा कहते हैं। रीजन, बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है ना अमेजन का जंगल सफाई कर देता है, किसका, कार्बन डाइऑक्साइड और CO2 का, भुला जाओ तो मिलोगे ना वहाँ पर, इतना बड़ा जंगल है, सबसे बड़ा जंगल है अमेजन का जंगल है, गूगल में सर्च कर लेना दिखेगा तुमको अच्छे से, बहुत बड़ा जंगल है, घना। कौन जानवर नहीं रहता ये बोलो, एनाकोंडा से लेके शेर तक मुटका। तो शराब अगर बेचते हैं, क्या बेचते हैं, अगर आप शराब बेचते हैं तो शराब आपका आएगा किस में, राज्य सूची में। अब देखो शराब बेचना अगर अच्छा बात होता तो बिहार सरकार अकेले बंद नहीं करती, पूरा इंडिया में बंद रहता, कहाँ रहता, पूरा इंडिया में बंद रहता है। लेकिन ऐसा होता है एक राज्य में शराब चालू है, एक में महंग बंद है, एक में महंगा है, एक में सस्ता है, हाँ बिहार में महंगा है। बॉयलर्स, सामाजिक नियोजन, देखो सामाजिक नियोजन जो है आपका राज्य सरकार का ही होता है, अब सुनो ध्यान से, जैसे राज्य सरकार हर बात के लिए केंद्र सरकार से पैसा नहीं ना मांग सकती है, शादी में जाना है 100 रुपया लाइए लिफाफा में भर के, बर्थडे में जाना है 200 रुपया, बच्चा है ना, ऐसा नहीं होता है, नियम कुछ कानून होता है, कुछ प्रोटोकॉल होता है। तो आप समझना सामाजिक नियोजन का श्रेय राज्य सरकार को जाता है, कि केंद्र सरकार सिर्फ सरकारों को देखती है, हर राज्य के हर कोने हर व्यक्ति को देखने का काम किसका होता है, राज्य के मुखिया को, जो कि कौन होते हैं, वहाँ के CM होते हैं। अगला सवाल, कवास थर्मल पावर कहाँ पर है, तो गुजरात में है, कवास क्या जी, शॉर्ट में पढ़ना, बकवास थर्मल पावर कहाँ पर है, सुल्तान जोहर कप कौन जीता 2022 का, भारत, बहुत अच्छा और स्टैटिक है, इसका रिवीजन होना चाहिए। सुल्तान जोहर कप कौन जीता है, भारत जीता है, ठीक है। चलिए बताइए एक दो चीज़ पूछ लेते हैं आपसे, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है, कैनबेरा, क्या नाम है, कैनबेरा, चलिए बहुत अच्छे। और बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी बड़ा सा एक क्वेश्चन पूछा है, बहुत बड़ा दिख रहा है ना, पर ये बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ समझाया है करंट अफेयर को। देखिए प्रतिस्पर्धा यानी संशोधन विधेयक, प्रतिस्पर्धा अर्थात संशोधक विधेयक, कौन सा ईयर, 2022 का उद्देश्य लेन देन के मूल्य के आधार पर विलय अधिग्रहण को विनियमित करना है। यह कहता है कि 2000 करोड़ से अधिक सौदे मूल्य वाले किसी भी लेनदान के लिए, किसी भी लेनदान के लिए भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की स्वीकृति आवश्यक होगी। मंजूरी में तेजी लाने के लिए प्रस्तावित कानून भी यह कहता है कि CCI के लिए इस तरह के लेन देन पर आदेश पारित करने के लिए सही सीमा 210 कार्य दिवस दिन से घटा करके 150 कर दिया है। तो ये क्या है, करंट अफेयर है। आगरा की स्थापना किए थे अकबर, आगरा शहर की स्थापना कौन किए थे, अकबर, आ से आगरा, आ से अकबर, ठीक है आगे बढ़ेंगे। 1540 के आसपास में किए थे आगरा शहर की स्थापना ना, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किस रसायन का उपयोग बीज संक्रमक के रूप में करते हैं, क्लोरीन, सफाई करने में किसका इस्तेमाल होता है, क्लोरीन का, हमें बताओ क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है, ठीक है।
उपन्यास का नाम है द पैलेस ऑफ इल्यूजन। क्या नाम है? द पैलेस ऑफ इल्यूजन। किसके द्वारा लिखी गई थी? चित्रा बनर्जी दीवा करुणी। क्या नाम है इसका? द पैलेस ऑफ इल्यूजन, भ्रम का महल। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं ने यह घोषणा किया है कि वह डैश प्लेटफॉर्म लॉन्च करेंगे। आधिकारिक ओरिएंटल और दक्षिणी एशियाई अध्ययन के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, तो क्या करेगी? भारत विद्या। ठीक है, तो ये 25 क्वेश्चन था जिसको हम लगभग 30-40 क्वेश्चन के रूप में कन्वर्ट करके आपको समझा दिए हैं। ठीक है ना, बाकी आप समझदार हो, अगला सेट में जाना है, इसका रिवीजन करना है। अगला सेट में चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और रिवीजन करते हैं।